नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चाई की खोज पर। आज हम आपके लिए ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित हीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के भाई के हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट लिए दलितों से मारपीट कर रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल छतरपुर जिले के कड़ा गांव का है। यह दलितों की शादी में समारोह में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। वो कट्टे से दलित परिवारों के एक सदस्य को धमका रहे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हमेशा बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ प्रवचन के दौरान दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 11 फरवरी को कड़ा का है। यहाँ अहिरवार समाज के एक परिवार में शादी थी। इस दौरान शादी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सौरभ गर्ग और शालिग्राम गर्ग पहुंचे थे। इस दौरान वो यहाँ जमकर हंगामा करने लगे। सिगरेट पीते हुए उनके भाई गाली गलौज कर रहे हैं। इस दौरान वो एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक शख्स युवक को बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई कट्टा निकालकर उसे जान से मारने की बात कहता है। शादी में मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं। रामाश्रय अहिरवार ने शनिवार को फेसबुक पर बागेश्वर सरकार धाम के भाई का वीडियो और फोटो को पोस्ट किया है। बागेश्वर धाम में थी सामूहिक शादी। जी हाँ, सौरभ गर्ग की नाराजगी का कारण यह बताया जा रहा है कि परिवार ने बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने से इनकार कर दिया था। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर 121 गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन किया गया था। इस शादी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए थे। बता दें कि शादी की सारी तैयारियां खुद बागेश्वर धाम सरकार ने की थी। वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इस वीडियो के समय की घटना दिनांक की पुष्टि की जा रही है, जांच की जा रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन है तो व्यक्ति, किस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है? अभी इस मामले में जाँच की जा रही है। अभी इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्वतः संज्ञान में लिया गया है वीडियो। इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसके समय की स्थान की पुष्टि की जानी बाकी है। वर्जन आया उसमें कि वो बता रहे हैं कि धाम पे इस प्रकार का वर्जन अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया हुआ है। हमें सिर्फ वीडियो प्राप्त हुआ है अभी। सर, कोई शिकायत आई है क्या अभी तक? अभी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं। सर बता रहे हैं कि वो परिवार बहुत दहशत में है, बहुत डरा हुआ है परिवार। इस तरीके का उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट हुई है। अभी अगर कोई परिवार इस प्रकार का है तो उसने पुलिस में कोई सूचना नहीं दी है। अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है तो बता दें जान को भी खतरा है। लेकिन अगर कोई शिकायत करता है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा पाएगी। मतलब अगर शिकायत किया जो पिस्टल लहरा रहा है, क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं सर, उस चीज़ की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया का कहाँ का वीडियो है, किसका वीडियो है और कब का वीडियो है, जैसे ये पुष्टि होती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे क्या लगता है आपको बागेश्वर धाम के भाई के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।